एक ऐसी रेस है जिसमें जीते तो भी मरे, हारे तो भी मरे। एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप लड़े तो भी मरे, नहीं लड़े तो भी मरे। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये दुनिया एक समुद्र के जैसी नहीं है, जहां पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, छोटे छोटे बुलबुले हैं? अगर अपनी बॉडी को एक लहर की तरह देखो, तो क्या हर लहर अपने लिए नहीं जी रही है? ऊपर ऊपर से एक लहर बोल सकती है कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, अपने लिए नहीं जी रही हूं, मैं तो उसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए जी रहा हूं। लेकिन उसके लिए भी आप तब जीते हो जब वो आपका अपना होता है, तो आप अल्टीमेटली अपने लिए ही जी रहे हो। तो हर लहर अपने लिए जी रही है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जैसे एक समुद्र होता है तो वहां पर क्या होता है, लहरें आपस में नहीं लड़ रही होती हैं। बट इस दुनिया को आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा समुद्र जहां पे हर लहर दूसरी लहर से लड़ रही है, क्योंकि हर लहर अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई है। मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, बाकी जो छोटे छोटे हैं, अगर उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है तब भी मैं नोच लूं वहां से, उनकी नौकरी जाती है जाए मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। क्या ऐसी नहीं है दुनिया? साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मुझे आगे बढ़ना है।